और अभी आपको बताएं कि नए पाकिस्तान में गैस आए या ना आए, इजाफी बिल तो आएगा। लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बावजूद गैस बिलों में इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। आवाम ने बिल्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहीं गैस लोड शेडिंग तो कहीं कम प्रेशर ने आवाम को अजियत में मुब्तला रखा। ताहम नए पाकिस्तान में गैस आए या ना आए, इजाफी बिल तो आएगा। गैस बिल्स में होशुबा इजाफे ने महंगाई से परेशान आवाम की नींदें हराम कर दी। सुई गैस को काम का कहना है कि सप्लाई के जिम्मेदार नहीं, ताहम बिल भिजवाना काम है तो जरूर भिजवाएंगे। दूसरी जानब आवाम ने हुक्मरानों से इजाफी बिल वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मजदूर तबके का कहना है कि महंगाई ने पहले ही दिन का चैन और रातों का सुकून छीन लिया है। ऐसे में 30-30 हज़ार रुपए मालियत के गैस बिल जमा करवाना किसी इम्तिहान से कम नहीं। दो महीने से अभी 1700, 1500, 2000, 2500, 5000 ये ऐसे बिल आने शुरू हो गए हैं। हम आप तो गरीब आदमी है, सैलरी बेस हमारी सैलरी इतनी नहीं है। मेरे बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और अब यहाँ पे कोई सुनाई नहीं होती, ना अंदर जाने देते हैं, ऊपर अफसरों से मिलने नहीं देते, तो गरीब आदमी क्या करे। इससे कबल वजीर आज़म इमरान खान ने गैस प्रेशर और भिजवाए गए बिलों के दरमियान फर्क का मुवाजना करते हुए आवाम को बड़ा रिलीफ दिया था। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को बिलों में इजाफी वसूल की गई 46 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम वापस करने का हुक्म दिया था।